अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग आगे का पढ़ने वाले हैं। क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 3 है रोटी। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं रोटियों के बारे में, कि कहाँ पे कौन सी रोटी बनती है, बावर्ची किस हिसाब से बनाते हैं, कौन सी रोटी ज़्यादा मज़े आती है खाने में, जैसे शीरमाल हुआ वगैरह वगैरह। तो अब मौसम के हिसाब से लोग मुँह का ज़ायका बदलने के लिए क्या करते हैं, सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी बड़े चाव से खाते हैं। जबकि बेरवे, जिसे हम दाल की पेठी को पेठी की कचौड़ी भी कहते हैं, का जायका मेथी की चटनी के साथ लिया जाता है जा सकता है। इधर चने की बेसन की रोटी दिल के मरीजों और ज़ायबितीस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती है। तो चने की रोटी, जिसे हम बेसन की रोटी कहते हैं, ये हुआ, और इसको खाने से जो है दिल के मरीज़ों को बहुत मुफीद है, उन्हें फ़ायदा करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आटे की बाटी को चपाती या रोटी की शक्ल में नहीं देते, बल्कि उपलों की धीमी आंच में ही पका लेते हैं, या कभी कभार बाफला बनाते वक्त उबाल लेते हैं, फिर उन्हें खूब सारा घी डालकर दाल के साथ या हाथ से चूर कर मिठाई की शक्ल में चूरमा बनाकर खाते हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो होती है, अब बड़े बड़े आटे की जो है ना, खूब सारा बड़ा बड़ा लोहिया रहता है, उसकी रोटियां बनती हैं, वो डायरेक्ट चूल्हे पर ही बनती है। चूल्हे पर मतलब बताने का मतलब है कि वहाँ पे ना उपला बड़ा बड़ा बनता है, उस उपले के आंच पर ही उसको पकाया जाता है, ठीक है, उसको चूर के उसमें घी डाल के उसको मिठाई की तरह छोटा छोटा किया जाता है और फिर उसको खाया जाता है, जो खाने में बड़ा लजीज लगता होगा। जनूबी हिंदुस्तान के केरल सूबा में चावल के आटे का उपम बनाया जाता है, जिसे कुछ लोग बहुत उम्दा रोटी मानते हैं। इसके लिए नारियल के पानी में आटा तैयार किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, केरल में ज़्यादातर क्या सा बनता है, वहाँ पे ज़्यादातर आपको इडली डोसा ये सब बनता है, तो वहाँ पर इडली पता ही आपको, ज़्यादातर चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। तली हुई रोटी पूरी बन जाती है, पर पूरियों की अपनी कहानी बड़ी लंबी है और मज़ेदार है, वो फिर कभी, यानी पूरी की तो कहानी आप जानते हैं बड़ी लंबी है, जिसके बारे में इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। लेकिन जाते जाते रोटी के बारे में एक और बात, 1857 की जंग आज़ादी में वतन परस्त हिंदुस्तानियों ने अपने पैगाम दूर दूर तक फैलाने के लिए रोटी और कमल के फूल को ही अपना मनपसंद निशान चुना था। तो रोटी और कमल के फूल को 1857 की जंग में लोगों ने एक सिंबल बनाया था। तो आज हम लोग रोटी की कहानी को मुकम्मल तौर से पढ़े हैं, तो आप सबको होमवर्क ये है कि आप इसको रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद अल्फाज मानी जो है दिया हुआ, जो यहाँ पर 7-8 है अल्फाज मानी, उसको आप याद करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर होगा। जज़ाकल्लाह।